अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ लोग सब खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग। आज है पाकिस्तान वीएस इंग्लैंड फाइनल। मैं अभी उठा हूँ जल्दी क्योंकि मुझे मैच देखना था, तो मैं पहले व्लॉग अपलोड करने के लिए बैठ चुका हूँ। मैंने बोला कि व्लॉग पहले अपलोड कर दूँ, फिर उसके बाद जाके देखूँगा मैच। और मैच आज PTV स्पोर्ट पर नहीं देखूँगा क्योंकि उस पर कॉपीराइट आ गया था जो व्लॉग अपलोड कर रहा था। आज देखूंगा किसी और स्पोर्ट से। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैच स्टार्ट हो चुका है और साथ ही रिजवान आउट भी हो गए। 14 बॉल पे 15 रन बनाए रिजवान ने और रिजवान आउट हो गया। मेन बंदा था वही आउट हो गया। अब आएगा हारिस, देखते हैं वो कैसा खेलता है। मैच स्टार्ट तो हो चुका है लेकिन डर भी लग रहा है यार कि ऐसा नहीं मैं दिखाऊं और फिर कॉपीराइट आ जाए। पता नहीं क्या मसला है। वो एक ने कहा कि PTV स्पोर्ट दिखाया इस वजह से कॉपीराइट आ गया। मैंने बोला उसमें तो कोई PTV स्पोर्ट का टैग नहीं था, फिर भी कॉपीराइट आ गया वीडियो में। तो अभी देखता हूँ, दोस्त से पूछता हूँ कि मैच दिखा सकता हूँ या नहीं। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे दिखाऊं कैसे नहीं दिखाऊं। मैं अपने अभी रूम में आ गया हूं, अब जा रहा हूं, देखता हूं क्या सीन है। क्योंकि हारिस उतरे में बैटिंग पर, हारिस हर बॉल में छक्का मारना चाह रहे लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और साथ में PTV स्पोर्ट का सामने टैग आ रहा है, इस वजह से पूरा नहीं दिखा पा रहा हूं। तो ऐसे ही देखें, गुजारा करें। डर लगा हुआ है, ऐसा नहीं बना लूँ फिर बाद में कॉपीराइट आ जाए। तो अभी सोचा कि मैं शॉप जा रहा हूँ, शॉप में ही देखूँगा मोबाइल पे मैच, क्योंकि पापा को नमाज़ पढ़ने जाना है, टाइम भी हो रहा है नमाज़ का। तो चलते हैं। मामा TV बंद कर देना। दोस्त आ रहे तो उसने कहा कि शॉप पर ही आ जाओ, दोनों मैच देखते हैं, इंजॉय करते हैं। मैंने बोला ठीक है। शॉप से आ चुका हूँ सिर्फ मैच देखने के लिए और अभी तक खाना भी नहीं खाया मैच के चक्कर में, क्योंकि पाकिस्तान ने टारगेट दिया 138 और इंग्लैंड ने 43 बना लिया है। 2 विकेट हुए 5 ओवर पे, तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान जीत जाए और इंशाल्लाह जीतेगा भी। बस बटलर बाकी है, अगर बटलर आउट हो गया तो सारा काम बन जाएगा। लेकिन बटलर अभी काफ़ी अच्छा खेल रहा है, अभी देखते हैं क्या सीन होता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। फाइनली बटलर आउट हो ही गया, मेरी बद्दुआ लग गई बटलर को और वो रऊफ के हाथों से विकेट हो ही गया उसका। अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि PTV स्पोर्ट पे देख रहा हूँ और PTV स्पोर्ट पे साफ दिखाता, बाकी किसी भी स्पोर्ट्स पे सही नहीं दिखा रहा है। ऐसा नहीं मैं PTV स्पोर्ट दिखाऊँ और कॉपीराइट आ जाए, तो सॉरी नहीं दिखा सकता। खुद अकेले इंजॉय कर रहा हूँ मैच। माशाल्लाह अभी तक मैच काफ़ी अच्छा चल रहा है। 63 बॉल पे 66 रन चाहिए। पाकिस्तान ने रोक कर रखा हुआ इंग्लैंड को, छक्का चौका मारने नहीं दे रहा बिल्कुल। अगर मारने लग गया ना तो काम ख़राब हो जाएगा। बस ऐसे ही खेलते रहे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जीत जाएगा। अभी वसीम बॉलिंग करवा रहा है, देखते हैं। इसको एक विकेट लाजमी लेना चाहिए इस ओवर पर। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था मैच देखने में, इसलिए व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। पाकिस्तान मैच हार चुका है, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। लेकिन कोई नहीं यार, अपनी टीम है, हमेशा साथ देते रहूँगा उसका, कोई मसला नहीं। आज आ रहा है तो कल जीत जाएगा। वैसे भी फाइनल से निकलने के बाद, अब मैच से निकल गए, वापसी फिर रिटर्न इंटर होना बहुत बड़ी बात होती है। कोई मसला नहीं, तुम जीतो यार हो, हमें तुमसे प्यार है। बस अब मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। बहुत अफसोस हुआ यार, पाकिस्तान हार गया। कोई बात नहीं, अब मैं जा रहा हूँ किसी काम से, फिर फारिग होकर आऊँ। तो काम से फारिग होकर आया हूँ और अंधेरा होने वाला है, तो मैंने कहा कि तोते लोगों को देख लूँ कि इन लोगों के पास खाना है या नहीं है। बस शाम होने वाला है तो इन लोगों को देख लेते हैं। ये सारे इधर ही ऊपर ही लटक रहे हैं। खाना पड़ा हुआ है इन लोगों के पास, इन लोगों को सेट भी करना है। मैंने किसी को बोला हुआ था क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने कहा सेट कर दूंगा। तकरीबन एक हफ़्ता हो गया, आज पूरा 1 वीक हो चुका है, सेट करवाने के चक्कर में सेट हो रही नहीं है। ये बस रोज़ टाइम पे टाइम रखा रहा है, कल इस टाइम परसों इस टाइम, यही वाला सीन चल रहा है। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, दोस्त आने वाला है, उससे लैपटॉप में कुछ काम था, उसने मुझे कॉल किया, बोला आ रहा हूँ थोड़ी देर वेट करो। घर पे सिस्टर वगैरह आई हुई है तो उनके लिए जा रहा हूँ नाश्ता लेने।
तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि बर्गर खाना है। मैंने बोला चलो बर्गर ही ले आते, कल तो मैं खुद फिंगर खाया ही हूँ, लेकिन उनके लिए बर्गर लेने जा रहा हूँ। काफ़ी दिनों बाद ये बर्गर घर में मंगाया गया और ये तैयार हो रहा है। ये सब बर्गर खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, कितने अच्छे से बन रहा है। बड़े बेहतरीन तरीके से ये तैयार किया जा रहा है और बहुत दिन हो गए मुझे ये बर्गर खाए हुए, आज खा रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद। अभी से मुंह में पानी आ रहा है, अभी तो सिर्फ लेने आया हूँ। फुल क्रिस्पी इधर तैयार हो चुका है बर्गर फाइनली, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने बनाया है यार। कैसा लाल लाल हो रहा है बिल्कुल। दोस्त का ही वेट कर रहा था और दोस्त आ चुका है, ये रहा हमारे साथ बैठा हुआ है। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि ये भी व्लॉग बनाते हैं, और इनका दूसरा चैनल है जिसमें आप माइक्रो टैग वगैरह की वीडियोस हो। और कौन सी वीडियो होती है अभी आपने जो अपलोड की थी? नहीं, एक्सेल की वीडियो इन्होंने डाला, काफ़ी अच्छा सिखाते हैं। तो इनके दोनों चैनल की व्लॉग के भी और टीच की भी मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा लिंक पे, तो इनको भी आप लोग जल्दी से जल्दी सपोर्ट करें जैसे मुझे करते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं। इनको भी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे कुछ काम था इनसे, तो अभी हम लोग ने अपना लैपटॉप ओपन किया हुआ है, लैपटॉप अपना ओपन किया काम करने के लिए, अब जल्दी से काम से फारिग होते हैं। और एक बात और है, वो बात क्या है कि कल है 14 नवंबर और मेरा 1 मंथ चैलेंज कंप्लीट होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि 1 मंथ कंप्लीट कर लिया है। अब सारे बोलेंगे बहुत आसान है, ये है वो है, तो यार आप लोगों के लिए आसान होगा 1 मंथ चैलेंज करना, ठीक है, और डेली व्लॉग अपलोड करना। ये उसी से इंसान पूछे जो ये काम करता है कि उसके लिए कितना मुश्किल होता है और कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है, भले मेरे लिए 1 मंथ था लेकिन 1 मंथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का है, क्योंकि मैंने 1 मंथ तक डेली व्लॉग अपलोड किया है, उसमें मेहनत की है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किया है। लेकिन वो मैं ही जानता हूँ कि मैंने कितना किया, आप लोग नहीं जानते। तो इस वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कल वीडियो अपलोड करूँगा और मेरा 1 मंथ चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद डेली आएगा व्लॉग, ये मस्ट है, व्लॉग डेली आएगा। बस आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहें, तो आप लोगों को डेली व्लॉग भी मिलता रहेगा। काम से फारिग हो गए, अम्माद भी घर जा चुका है, उसको टाटा बाय बाय कर दिया। ये लैपटॉप का नट इधर क्या कर रहा है? ओहो, ये लैपटॉप का नट निकला हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। तो अम्माद घर जा चुके हैं, काम से हम लोग फारिग हो चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा आराम करने, क्योंकि आज संडे था, सारे दिन थक गया और मैच की वजह से सुबह 1 बजे उठना पड़ा, वरना तो संडे वाले दिन 2 बजे या 2:30 बजे सुबह होती, लेकिन 1 बजे उठना पड़ा। वैसे होती, लेकिन अब जब से यूट्यूब स्टार्ट किया ना व्लॉग बनाने के लिए, तो 1:30 बजे लाजमी वीडियो अपलोड करना पड़ता है, इसलिए सैटरडे नाइट में लाजमी वीडियो अपलोडिंग पे लगा देता हूँ। और 1:30 बजे उठता हूँ और फ़ौरन पब्लिक किया, वीडियो पब्लिक हो गई, तो इस वजह से जल्दी उठना पड़ जाता है सिर्फ व्लॉग अपलोड करने के लिए, वरना तो मैं एक नवाब 2:30 बजे उठूँ आराम से, लेकिन उठना पड़ता है जल्दी। तो अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा आराम करने, फिर आराम करके उठूँगा, थोड़ा सा काम करना है, फिर करेंगे व्लॉग को एंड। आराम करके उठ चुका हूँ और मेरा हेयर पूरा ख़राब हो रहा है, तो अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने और अपना काम करने। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ठोक दें और साथ ही बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि रोज़ न्यू व्लॉग अपलोड हो और आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।